महज 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी का ये दूसरा दौरा करने जा रहे हैं। वाराणसी में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे पीएम मोदी का साफ साफ कहना है कि 24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 प्लस सीटें जीतेगी। शायद यही वजह है कि आज काशी में पीएम मोदी का रोड शो सुबह से ही सुर्खियां बटोर रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। काशी में मोदी 400 प्लस की गारंटी। चौबीस में जीत को लेकर पीएम मोदी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के दौरे से लेकर काशी के दौरे तक पीएम मोदी का यही नारा है, बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। कांग्रेस के लंबे शासन काल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मान। काशी से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर हम काशी से पीएम मोदी का जुड़ाव देखें तो 2014 से लगातार पीएम मोदी की सियासत और संघर्ष का केंद्र काशी बना हुआ है। मां गंगा, काशी विश्वनाथ और काशी का विकास पीएम मोदी के एजेंडे में हमेशा ऊपर रहे हैं। आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। बीते 10 साल में बनारस के विकास की स्पीड भी कई गुना बढ़ी है। काशी में मोदी 400 प्लस की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम दौरा चल रहा है और तीसरे दौरे के लिए पार्टी और पीएम मोदी अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद सबसे बड़े रोड शो से विरोधियों को ललकार रहे हैं। पीएम मोदी का बाबतपुर से बरेका तक 28 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जिस पर पुष्प वर्षा का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि पीएम मोदी अपनी कार के रूफटॉप से बाहर आकर लोगों का अभिवादन भी करेंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट, हरहुआ चौराहा, शिवपुर चौराहा, अर्दली बाजार, कचहरी चौराहा, लहरतारा चौराहे से आगे मंडवाडी चौराहा, DLW गेट तक बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर पीएम का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही इन जगहों पर मंत्रोच्चार के लिए बटुक, डमरू दल और कलाकार मौजूद रहेंगे। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी
इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है। ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज बीजेपी मोदी की गारंटी और विकास के दम पर काशी और पूर्वांचल का मॉडल देश भर में पेश कर रही है। अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बेहद सजग हैं। राहुल गांधी को पीएम मोदी इसका जवाब दे चुके हैं। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी ने बनारस में शराबी और नशेड़ी युवा पाए जाने का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री ने काशी से ही इसका करारा जवाब दिया। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा, वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है, ये कैसी भाषा है भाई। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने दो दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पीएम मोदी के तीखे पलटवार से समझा जा सकता है कि काशी के नाम पर सियासत करने वाले विरोधी नेताओं पर पीएम मोदी का हमला तय है। एक पखवाड़े में ही दूसरी बार पीएम मोदी आज वाराणसी पहुंचे हैं। इससे पहले 22 फरवरी 2024 को भी सड़क मार्ग से ही एयरपोर्ट से बरेका गए थे। काशी को लेकर पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है, जरा देखिए कैसे। पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को किया था। लोकार्पण के दो साल बाद दिसंबर 2023 तक 13 करोड़ भक्तों ने यहां आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। विकास की बहुलता से काशी संसदीय सीट की श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यकाल में वाराणसी से निकलने वाली जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर की सड़कों को 4 लेन कर दिया गया। वाहनों की राह को रिंग रोड ने सुगम कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने का समय आधा कर दिया है। पूरे पूर्वांचल की फल सब्जी बनारस से खाड़ी देशों को भेजकर किसानों की आर्थिक शक्ति बढ़ाई गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने बनारस के ककरियांव एग्रो पार्क में अमूल प्लांट का उद्घाटन किया है। यहां 18 जिलों के दुग्ध उत्पादकों से दूध लिया जाएगा। सेग्रा स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार है। अगले साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी पूर्वांचल के लोगों को मिल जाएगा। जब मैं देखो अपना देश कहता हूं तो मैं अपने ही देश में टूरिज्म को बढ़ावा देता हूं, इससे स्थानीय लोगों का रोजगार, स्वरोजगार कैसे बढ़ता है ये हम काशी में अनुभव कर रहे हैं। जब से विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है तब से करीब करीब 12 करोड़ से अधिक लोग काशी आ चुके हैं। इससे यहां के दुकानदार, ढाबे वाले, रेहड़ी ठेले वाले, रिक्शे वाले, फूल वाले, नाव वाले, सबका रोजगार बढ़ा है। काशी में मोदी 400 प्लस की गारंटी। अगर हम पिछले एक हफ्ते के पीएम मोदी के दौरों पर नजर डालें तो उनके तूफानी दौरे से साफ है कि वो विरोधियों को हर मामले में चारों खाने चित्त कर देना चाहते हैं। मोदी के रोड शो, सोशल मीडिया की हस्तियों से मिलना, देश के उभरते युवाओं की टीम की हौसला बढ़ाना, पीएम मोदी के एजेंडे में इस तरह से शामिल है कि विरोधी उनका मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर लालू जैसे लोगों ने मोदी को परिवारवाद पर ललकारा तो पीएम मोदी ने मोदी के परिवार का नारा देकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी। मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार बता दिया। बोलता कि
परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। विरोधियों को बयानों से चित करने वाले पीएम मोदी विकास से भी विरोधियों की बोलती बंद कर रहे हैं। जरा देखिए, काशी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं पीएम मोदी, काशी के विकास के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। बनारस में जून 2024 तक रिंग रोड के 3 चरण आपस में जोड़ दिए जाएंगे। इससे बनारस शहर के बाहर पूर्वांचल के जिले और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और कोलकाता तक बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। बनारस कोलकाता ग्रीन ट्रेल एक्सप्रेस वे का कार्य शुरू होने वाला है। प्रोजेक्ट के पूरा होते ही बनारस से कोलकाता की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय की जा सकेगी। काशी में जल परिवहन को भी रफ्तार मिलने लगी है। प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा के किनारे 19 क्रूज टर्मिनल बनाने की स्वीकृति मिल गई है। बनारस में पहले इलेक्ट्रिक कैटामरान का संचालन शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर पीएम मोदी 2024 में काशी की पवित्र धरती से जो करिश्मा करने जा रहे हैं उससे पीएम मोदी को 400 प्लस सीटें जीतने का पूरा भरोसा है। पीएम मोदी को ये भी भरोसा है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो बड़े फैसले लिए जाएंगे जो आधुनिक इंडिया को शानदार भारत बना देंगे।